अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस नाउन नंबर 3। ये जी मैथमेटिक्स बुक 2 D2 सेवन्थ एडिशन जूनियर एडिशन आया है, उसी एक्सरसाइज है ये। और इसका हम करेंगे जी प्रैक्टिस नाउन नंबर 3 जो है पेज नंबर 60 पे, उसका ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास लिखा हुआ क्या है कि द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सम वेरिएबल्स ऑफ एक्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई आर गिवन इन द टेबल। वो कह रहे हैं कि कुछ एक्स और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग में जो वाई की वैल्यूज हैं वो गिवन है। ए पार्ट में कह रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये जो पी की वैल्यू है इसको हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद लिखा हुआ है ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सेस एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द वाई एक्सेस ड्रॉ द ग्राफ। यानी कि ये जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी इनका हमने क्या करना है, ग्राफ जो है उसको हमने ड्रॉ करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, फिर मैं आगे जो इसके पार्ट्स हैं वो पढ़ती जाऊंगी और साथ साथ हम सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो इस अननोन को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि पी की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सॉल्यूशन ए पार्ट। हमारे पास गिवन इक्वेशन यहाँ पर क्या है, हमारे पास गिवन इक्वेशन है जी 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, जबकि x की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर -2 है और y की वैल्यू p है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं when x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू p, ये इसमें सब्सिट्यूट कर देते हैं। तो 3 इंटू -2 प्लस पी इज इक्वल्स टू 1, 3 टू द 6 -6 प्लस पी इज इक्वल्स टू 1, पी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6, यानी कि p हमारे पास क्या आ गया 7। तो y हमारे पास किसके इक्वल था, y हमारे पास p के इक्वल था। तो y as y इज इक्वल्स टू p, सो y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, p इज इक्वल्स टू 7। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। तो ग्राफ को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मैं ग्राफ पेपर जो है यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको, और यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ कि हमने ये कैसे करना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं स्केल ले लेते हैं। अच्छा, अब इसका हम क्या कर देते हैं, एक्स और वाई एक्सिस जो है उनको मैं ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मेरे पास हो गया यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गया, और बल्कि इसको लाइन पे ही कर लेते हैं हम ऐसे। ठीक है, ये हो गया मेरे पास एक्स, और इसके यहाँ पे हम वाई एक्सिस भी बना लेते हैं। हॉरिजॉन्टल जो होता है वो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है जी वाई एक्सिस। तो ऐसे हम ये ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया हमारे पास। अब इसमें हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो लिख लेते हैं, और जो स्केल गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने करना होता है, उसके अकॉर्डिंग करना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि एक्स एक्सिस पर लिखा हुआ है कि 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे 4 जो यूनिट्स हैं ना वो 4 यानी कि ब्लॉक्स के बाद हमारे पास जो है वो 1 यूनिट बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम लिख लेते हैं कि 1, 2, 3, 4 यहाँ पर हमारे पास 1 बनेगा। तो ऐसे में बस बॉक्सेस कम हो रहे हैं, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, ऐसे में इसको टर्न कर लेती हूँ। तो अब इसको हम एक्स एक्सिस कर लेते हैं और इसको वाई एक्सिस कर लेती हूँ, क्योंकि हमें 4 ब्लॉक्स के बाद ना 1 यूनिट चाहिए। तो ये एक्स एक्सिस हो गया 1, 2, 3, 4, 4 ब्लॉक्स के बाद 1 यूनिट, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर 4 ब्लॉक्स 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, और अब नेगेटिव साइड पे आते हैं 1, 2, 3, 4, 4 ब्लॉक्स, ये हो गया मेरे पास -1, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 4 ब्लॉक्स, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास -2। ठीक है जी, तो ये मेरे पास हो गया यहाँ पर x, और इसको ले लेते हैं हम वर्टिकल जो है इसको हम ले लेते हैं y एक्सिस। तो यहाँ पर भी मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे 1 ब्लॉक जो है वो हमारे पास 1 यूनिट के इक्वल है, यानी कि 1,
टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये हो गया मेरे पास सेवन, ठीक है जी। और अब नेगेटिव साइड पे, नेगेटिव वाई एक्सिस पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन और यहाँ पे ओरिजिन है यानी कि ज़ीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, ठीक है जी। तो ये हो गया मेरे पास एक्स और ये हो गया मेरे पास वाई। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमारे पास टेबल था उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो टेबल जो है हमारे पास वो है कि जब x माइनस टू है तो y क्या है हमारे पास सेवन, x माइनस टू पे y क्या है हमारे पास सेवन। तो x माइनस टू और y सेवन कहाँ पे आ रहा है, ये वाला पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, हम देख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास है कि जब x ज़ीरो है तो y क्या है हमारे पास वन, जब x ज़ीरो है तो y क्या है वन, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट्स जो है मैं किसी और कलर से कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता चल जाए। तो इसको हम ब्लू से कर देते हैं या किसी और से येलो से कर देते हैं। तो एक तो ये मेरे पास पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जब x 2 है तो y माइनस फाइव, तो x 2 है और इसके पे क्या है y क्या है माइनस फाइव, यानी कि माइनस फाइव ये है ना और 2 ये है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, इनको हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से रेड पे मैं ज्वाइन कर देती हूँ इसको। तो ये थ्री पॉइंट्स हैं हमारे पास और इन तीनों को हमने आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ये यहाँ पर आके मेरे पास ज्वाइन होंगे, इस पॉइंट पे। अच्छा, इनको जब आप ज्वाइन कर रहे हो ना तो बहुत आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ज़रा सी मिस्टेक करेंगे और ये जो है ना आपके पास गलत हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से आपने करना है। तो ये मेरे पास ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो ये थ्री पॉइंट्स थे मेरे पास और ये यहाँ पे मैंने जो है वो लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है। एक मेरे पास ये वाला पॉइंट है, तो इनको मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि ये मेरे पास कौन से पॉइंट्स है। यहाँ पर मेरे पास है एक्स माइनस टू है और वाई के एस सेवन है, और यहाँ पर मेरे पास है ये जो पॉइंट है ये वाला, इस पे मेरे पास है जो एक्स है वो ज़ीरो है और वाई के है वन है, और ये वाला जो मेरे पास पॉइंट है इस पे मेरे पास है एक्स जो है वो टू है और वाई क्या है माइनस फाइव, ठीक है जी। तो ये वाले पॉइंट्स हो गए हमारे पास, ये हमने ग्राफ जो है इसका बना लिया और ये हमने बनाना था। तो ये हमारे पास पॉइंट्स जो हैं इनको हमने कर लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास है सी पार्ट है। द पॉइंट माइनस वन क्यू लाइज ऑन द ग्राफ, कि जब x हमारे पास माइनस वन है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में हमारे पास y का आंसर क्या आएगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम इसी ग्राफ से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर वो कह रहे हैं x माइनस वन है, तो हम इसी को ऊपर लेके जाएंगे। मैं डॉटेड लाइन कर लेती हूँ ड्रॉ, ये देखें इसी को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ, रेडी कर लेते हैं ताकि ज़्यादा आप लोगों को विजिबल हो, या ब्लैक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं ऊपर जाऊँ माइनस वन में, तो ये आप देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट पे हमारे पास वाई की क्या वैल्यू है, फोर है, यानी कि ये पॉइंट क्या है हमारे पास माइनस वन फोर, यानी कि जब एक्स हमारे पास माइनस वन होगा तो वाई क्या है हमारे पास फोर है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ये वाली बात। यहाँ
यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सॉल्यूशन सी पार्ट, ये फ्रॉम द ग्राफ when x is equals to minus 1, y is equals to 4, यानी कि q यहाँ पे है ना, तो q is equals to y is equals to 4, ठीक है, ये हो गया. अब क्या करना है हमने यहाँ पर, अब आते हैं कि हमारे पास है d part है, on the same axis in b draw the graph of y is equals to minus 0.5, यानी कि y क्या हमने draw करना है, y is equals to minus 0.5. तो माइनस 0.5 हमने ड्रॉ करना है यहाँ पर. तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास इन्हें लिखा हुआ है कि y इज इक्वल्स टू वाई एक्सिस कौन सा होता है हमारे पास, ये वाला होता है ना जो हमारे पास होता है वर्टिकल. तो वर्टिकल पे माइनस 0.5 हमने ड्रॉ करना है, तो इसको हम कर लेते हैं. तो यहाँ पर मेरे पास है ये हमारे पास है 0 और ये 1 है, तो इसके बिल्कुल मिडल में टोटल कितने बॉक्सेस है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि थर्ड का बिल्कुल मिडल, ये वाला जो पॉइंट है ना ये हमारे पास है 0.5. तो इस पे हमने जो है वो लाइन जो है उसको हमने ड्रॉ करना है. तो मैं यहाँ पर कर लेती हूँ इसको, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 0.5, ये वाला हमारे पास पॉइंट है, तो इस पे हमने ड्रॉ करनी है. इसको यहाँ पे रख लेते हैं और ये हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ये है मेरे पास 0.5, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं ड्रॉ. ठीक है जी, तो ये मेरे पास यहाँ पर मिडिल से भी इसको कर लेते हैं हम थोड़ा सा हाईलाइट, तो ये मेरे पास ड्रॉ हो गया यहाँ पर 0.5. ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, ड्रॉ हो गई है लाइन जो है y इज इक्वल्स टू, मैं तो नीचे लिख भी देती हूँ कि y यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल्स टू माइनस 0.5. ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 0.5 ही हमने ड्रॉ कर ली यहाँ पर. अब क्या कर रहे कह रहे हैं कि हमसे, देख लेते हैं इसको. तो अब ये हमसे कह रहे हैं कि स्टेट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ 3x + y इज इक्वल टू 1 दैट हैज़ y कोऑर्डिनेट्स ऑफ माइनस 0.5. यानी कि जब हमारे पास y जो है वो माइनस 0.5 है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी. ठीक है, तो जब आपके पास y जो है वो 0.5 है, तो यहाँ पर हमने देखना है कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है इसकी, x की. तो जब हमारे पास ये 0.5 है यहाँ पर, ये 0.5, तो ये यहाँ पर आके ये टच हो रही है इस जगह पे, यहाँ पर ये दोनों आपस में टच हो रही हैं, ये वाला पॉइंट है. तो ये वाला पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों लाइंस आपस में टच हो रही हैं. तो ये कौन सा हमारे पास पॉइंट है, ये 0 है, ये 1 है. टोटल हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस हैं, यानी कि ये यहाँ पर मिडल में ही आ रहा है इस जगह पे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास 0.5. तो x क्या है यहाँ पर हमारे पास 0.5. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि x कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन d का सेकंड, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि x कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू 0.5. ठीक है, तो इस लाइन के जब हमने किया कि ये दोनों, जब इन दोनों ने एक दूसरे को जब हमारे पास है x जो y जो है वो माइनस 0.5 है यहाँ पर, तो इसने किस यहाँ पर आके टच किया, और यहाँ पर x क्या है 0.5. ठीक है जी, तो ये था हमारे पास ग्राफ जो मैंने ड्रॉ किया है.
और ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरे सेकंड चैनल है जिसकी बीच में कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोज़ हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।